क्या चलते वक्त आपके भी हिप्स की मूवमेंट बढ़ जाती है? दोनों थाई आपस में रगड़ाते हैं, कोई भी ड्रेस ट्राई करो तो थाई के ऊपर जाती ही नहीं है, या फिर ज्यादा लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रहने पर पैर और कमर में दर्द होने लगता है? तो वक्त आ गया है आपको अपनी लोअर बॉडी फैट को कम करने का। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बॉडी ऊपर से तो शेप में होती है लेकिन कमर से नीचे जाते जाते हैवी हो जाती है, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आज आपने इसके लिए कुछ नहीं किया ना, तो आगे जाकर आपको और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही ठान लीजिए कि आपको अपने लोअर बॉडी फैट को कम करना है और अपनी बॉडी को एकदम शेप में ले आना है। और कौन कहता है कि लोअर बॉडी फैट कम करना मुश्किल है, आपको हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या जंपिंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको कुछ बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसमें ना तो कोई इक्विपमेंट लगेगी, ना आपको कोई जंप करना है, ना ही बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत है। आप अपने घर के किसी भी एक कोने में खड़े होकर इन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं और 15 दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज ही आप अपने थाई हिप्स का मेजरमेंट ले लो और 15 दिन बाद वापस से चेक करना कि आपने अपनी लोअर बॉडी से कितना फैट कम किया है और कितने इंचेस लॉस किए हैं। और एक चीज जो बताना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम लोग ये बात नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करोगे तो आपको मसल्स पेन होगा ही होगा, ये एकदम मस्ट है और ये एक पॉजिटिव साइन होता है। तो आज भी जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्पेशली आपके जो थाई और हिप्स के मसल्स होते हैं उसको टारगेट करेगा। तो इन एक्सरसाइज को करने के कुछ घंटे बाद आपको हल्का हल्का सा पेन महसूस होगा अपने थाई में और आपके हिप्स के अराउंड, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट डे पेन थोड़ा और ज्यादा हो और आपको उठने बैठने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपने अच्छे से एक्सरसाइज किया है और अब आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। और कुछ दिन जब आप इन एक्सरसाइज को करते चले जाओगे तो 4-5 दिन बाद ही आप देखोगे कि आपका मसल पेन होना भी कम हो जाएगा। लेकिन रुकना नहीं है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज किया पेन होने लगा तो सोचे कि चलो 2-3 दिन रेस्ट ले लेते हैं वापस से करेंगे। इससे क्या होगा, ना तो आपका फैट बर्न होगा और जितनी बार आप एक्सरसाइज करोगे उतनी बार आपको दर्द होता ही रहेगा। तो इसीलिए आप इसको रेगुलर करते रहो, दर्द हो रहा है तो उसके साथ में ही करते रहो और धीरे धीरे आपका मसल्स पेन होना कम हो जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना कि अपनी इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए करना। जैसे आप फर्स्ट डे ट्राई कर रहे हो तो मैंने सभी एक्सरसाइज को 45 सेकंड तक करने को बताया है। अगर आप 30 सेकंड तक कर रहे हो उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे तो वहीं रुक जाओ, और धीरे धीरे 2-4 दिन आप हर एक एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक फॉलो करो, सभी एक्सरसाइज के एक सेट लगाओ, धीरे धीरे 2 सेट लगाना शुरू करो और फिर धीरे धीरे 3 सेट पे आ जाओ और टाइमिंग को इंक्रीज करो। इस तरह से क्या होगा, आपको मसल पेन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और एक्सरसाइज के रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अपने डाइट को जरूर हेल्दी रखना। कोई भी एक्सरसाइज करोगे ना, अगर साथ में डाइट हेल्दी नहीं लोगे, जंक फूड खाते रहोगे तो भी आपका फैट कम नहीं होने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डाइट हेल्दी हो। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे डाइट प्लान मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो कर सकते हो। ऐसे और भी टिप्स वीडियो के बीच बीच में मैं आपको देती रहूंगी और सभी एक्सरसाइज को कैसे करना है, किस टेक्निक से फॉलो करना है वो सब बताती रहूंगी। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना और सभी एक्सरसाइज को मेरे साथ में कर डालना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इन अमेजिंग एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ओके, तो चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पर। तो दोनों पैरों का डिस्टेंस शोल्डर के बराबर रखना है। अब दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं और फिर अपर बॉडी को झुकाना है। ध्यान रखिए आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, एकदम सीधा रखना है अपने घुटने को और बैक स्लाउच नहीं करना है, इस तरह से नहीं, एकदम सीधा रखना है अपनी बॉडी को। मैं एक बार ये आपको साइड से दिखा देती हूँ ताकि आपको पोजिशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपकी पोजिशन है, बैक स्लाउच नहीं करना है, एकदम सीधे रखना है अपने बैक को और फिर यहाँ से आपको अपने नी को बेंड करते हुए फ्लोर के पैरेलल बैठ जाना है और फिर वापस से खड़े हो जाना है। ओके, बहुत आराम आराम से करने वाली एक्सरसाइज है, तो जल्दबाजी में मत कीजिएगा, एकदम धीरे धीरे रिलैक्स करके करना है अपने मसल्स को टारगेट करते हुए। 45 सेकंड तक इसको फॉलो करना है, इसके 3 सेट लगाने हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस एक्सरसाइज को, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करोगे और धीरे धीरे 2-4 दिन 5 दिन करने के बाद आप टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपके हिप और थाई के मसल्स बहुत अच्छे से यूज हो पा रहे हैं। ऑल राइट, तो अब चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पर। तो एक हाथ से आपको दीवार का सपोर्ट ले लेना है,
राइट हैंड और राइट लेग स्टेबल रहेगा। अब राइट हैंड से फ्लोर टच करना है और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाना है, बिल्कुल इस तरीके से लेफ्ट लेग पीछे की तरफ जाएगा, राइट हैंड से फ्लोर टच करना है। अगर आप फ्लोर तक अपने हाथ को टच नहीं कर पा रहे हो तो जहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है वहां तक ले जाने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हिप और थाई फैट कम करने के लिए। अब बताओ, अगर घर की दीवार से आपका हिप और थाई फैट कम हो सकता है तो जिम जाने की, इक्विपमेंट उठाने की या फिर जंपिंग करने की जरूरत ही क्यों है। इन एक्सरसाइज को रेगुलर फॉलो करें। बस एक चीज ध्यान रखें कि नीचे जाते वक्त आपका बैक इस तरह से स्लाउच नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, इससे आपके बैक में पेन हो सकता है और आपका पोस्चर भी खराब हो सकता है, तो इसीलिए बैक एकदम स्ट्रेट रखना है। अब अपोजिट साइड से करेंगे सेम। अब आपको लेफ्ट हैंड से फ्लोर टच करना है और राइट लेग को पीछे की तरफ उठाना है, बिल्कुल इस तरीके से अपने थाई और हिप्स के मसल्स को टारगेट करते हुए 45 सेकंड तक इसको फॉलो करते रहिए, या फिर आप इसको लगातार 10 टाइम्स कर सकते हो काउंट करके। इसके 3 सेट ज़रूर लगाएं। शुरुआत में आप इसको एक बार करें, धीरे धीरे आप इसको 2 सेट करना शुरू करें और हफ्ते 10 दिन बाद आप इसके 3 सेट लगाना शुरू करें और फिर देखो आपको खुद महसूस होगा कि आप कितने स्ट्रांग होते जा रहे हो, आपके लोअर बॉडी के मसल्स कितने स्ट्रांग हो गए हैं, कितने फ्लेक्सिबल हो गए हैं और आपका फैट भी कितनी तेज़ी से बर्न हो रहा है। ओके, चलते हैं अब थर्ड एक्सरसाइज पर। तो यहाँ आपको बैठ कर करना है, पोजीशन देख लें, हाथ और पैर को इस तरह से फ्लोर पर रखना है और हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, बिल्कुल इस तरीके से एकदम आराम से लेकर आना है नीचे और फिर धीरे से ऊपर उठाना है। ध्यान रखिए आपको अपने हिप्स को फ्लोर पर टच करना है और तुरंत ऊपर की तरफ उठाना है, यानी बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि नीचे आए और बहुत देर तक बैठ गए और फिर ऊपर उठा रहे हैं हिप्स को, इससे एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करेंगी। तो आपको एकदम बस टच करना है फ्लोर पे और हिप्स को ऊपर उठा देना है, एकदम आराम आराम से करना है 45 सेकंड तक, बिल्कुल ये फील करते हुए कि आपके हिप्स के मसल्स टारगेट हो रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी हिप्स शेप में आने वाली है। बहुत अच्छे, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 पर। तो इस तरह से पेट के बल लेट जाना है, दोनों पैरों को उठा लें। अब 1 by 1 अपने लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे ही पैर को उठाएंगे 2 से 3 सेकंड यहाँ होल्ड करना है और फिर नीचे लेकर आना है, ओके। तो स्पीड में नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर लेकर जाना है, 2-3 सेकंड होल्ड कीजिए और फिर नीचे लेकर आएँ। और जैसा कि आप देख रहे हो इस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपके थाई और हिप्स के मसल्स जो है वो बहुत अच्छे से टारगेट हो पा रहे हैं और जब मसल्स एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ मसल्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी डाइट लें, हर एक मील में प्रोटीन ज़रूर लें। बहुत अच्छे दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो टेबल टॉप पोजिशन पर आ जाना है। अब आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ना है, नी को चेस्ट के पास लेकर आना है और फिर पीछे की तरफ अपने पैर को पुश करना है। अब बहुत लोग गलत कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से करेंगे, बहुत लोग स्पीड में करेंगे जो कि एकदम गलत तरीका है, इससे आपके मसल्स में पेन बहुत ज़्यादा होगा, इंजरी भी हो सकती है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज को आराम आराम से किया जाए और आज जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही आराम से करने वाली एक्सरसाइज हैं, तभी आपके मसल्स टारगेट हो पाएंगे और आपका हिप थाई और कमर के पास जो चर्बी है वो कम हो पाएंगी। सो सही से टेक्निक को देखिए और सही से फॉलो कीजिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको आराम आराम से करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 45 सेकंड तक फॉलो कीजिए या फिर आप राइट लेग से 10 टाइम्स कर लीजिए और फिर लेफ्ट लेग से। चलिए अब अपोजिट लेग से करते हैं, तो दूसरे साइड से भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, बिल्कुल अपनी बॉडी पर कंट्रोल बनाए रखना है, सभी एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करना है
और जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, इन सभी एक्सरसाइज में आपके मसल्स टारगेट होते हैं, तो आपके मसल्स ब्रेक होकर दोबारा से जुड़ते हैं और वो जो मसल्स रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है ना, उस वक्त हमें हेल्दी डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लें ताकि आपके मसल्स अच्छे से रिकवर हो पाएँ और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाएँ। इन सभी एक्सरसाइज को मैंने खुद अपने वेट लॉस के दौरान फॉलो किया था और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले थे। उफ, बहुत अच्छे। अगर थक गए हो तो एक मिनट तक का रेस्ट ले सकते हो हर एक एक्सरसाइज के बाद। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, जो कि है ब्रिज अप्स और ग्लूट ब्रिज के नाम से इस एक्सरसाइज को जाना जाता है। तो आप देख सकते हो कैसे आपको फॉलो करना है, पीठ के बल लेट जाना है और फिर अपने हिप्स को फ्लोर से ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज में एक चीज़ बस जो आपको बहुत ध्यान से करना है कि आपको नीचे जाने के बाद ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस हिप्स को टच करना है फ्लोर से और तुरंत ऊपर उठा देना है। ओके, और इसको आप करते रहेंगे कंटिन्यूसली 45 सेकेंड तक। अगर आप इसको 30 सेकेंड फॉलो कर पा रहे हो तो उतना ही करना, धीरे धीरे करके आप अपने टाइमिंग को इंक्रीज करना। वेल डन। तो अब ग्लूट ब्रिज में ही मॉडिफिकेशन करते हुए एक लेवल अप जाएंगे और इस तरह से पैर को खोलेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। हिप्स को ऊपर की तरफ उठाया, दोनों पैरों को खोलना है, वापस क्लोज करें और फिर हिप्स को नीचे की तरफ ले आए, वापस से उठाया, दोनों पैरों को खोला, वापस से बंद किया और फिर नीचे ले आए हिप्स को। यही आपको फॉलो करते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी इनर थाई की एक्सरसाइज हो जाएगी, जो आपके थाई आपस में टकराते हैं चलते वक्त, वहाँ पे रैशेज हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते हो तो वहाँ के मसल्स यूज होंगे, वहाँ से फैट बर्न होने लगेगा। बहुत अच्छे। तो अब जो अगली एक्सरसाइज है वो भी सेम है, यहाँ भी हमने मॉडिफिकेशन किया है और आपको ब्रिज अप्स करना है, साथ में लेग रेज करना है। ओके, ब्रिज अप्स विथ लेग रेज। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी इंटेंस है और इस एक्सरसाइज से अगर आपके पेट पर चर्बी है तो वो भी कम हो जाएगा। आपका थाई और हिप फैट तो कम होगा ही और आपका पेट भी कम हो जाएगा अगर निकला हुआ है तो ये आपको 10 टाइम्स राइट लेग से कर लेना है और फिर 10 टाइम्स लेफ्ट लेग से। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी इंटेंस है तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट वैसे है बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अगर कोशिश करोगे तो धीरे धीरे करके आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, तो हमने आज की सभी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब आपके थाई और हिप्स के मसल्स बहुत ज़्यादा नहीं दुखें, उसको रिलैक्स करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेचिंग बता रही हूँ जो आपको ज़रूर करना है। स्ट्रेचिंग कर लेने से आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि हर एक एक्सरसाइज के बाद आप कूल डाउन ज़रूर करें। तो इस तरह से बटरफ्लाई पोज ले लेने के बाद थोड़ा सा हाथ को आगे बढ़ाना है और इस पोज में आपको कुछ सेकेंड होल्ड करना है, आप मन ही मन 10 काउंट कर सकते हो। दूसरी स्ट्रेचिंग में आपको बटरफ्लाई की तरह दोनों पैरों को इस तरीके से चलाना है, ये भी आप कुछ सेकेंड तक फॉलो कर सकते हो। काउंट करके आप इसको 10 टाइम्स कर लो, इससे आपके मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तीसरी जो स्ट्रेचिंग है वो है चाइल्ड पोज यानी बालासन। तो देखिए कैसे पोजिशन लेना है, बिल्कुल इस तरह से आपको लेट जाना है, अपने चिन या फॉरहेड को फ्लोर से लगा देना है और इस पोज में भी आपको कुछ सेकंड होल्ड करना है। इसको भी आप 3 बार कर लें, 10 सेकंड होल्ड करना है और फिर वापस से करना है और इसको 3 बार कर लेंगे, बहुत अच्छा फील होगा। एंड लास्ट स्ट्रेचिंग है स्टार स्ट्रेच। राइट लेग को उठाना है, लेफ्ट साइड लेकर जाना है और बाकी जो आपकी अपर बॉडी है उससे अपोजिट साइड देखना है और इस पोजिशन में भी आपको 10 काउंट तक होल्ड करना है और फिर सेम आप दूसरे पैर से करेंगे। तो एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन ज़रूर करें और कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर कर लें। और वार्म अप और कूल डाउन बहुत ही ज़रूरी है हर एक एक्सरसाइज के साथ में करना।
इससे क्या होगा, आपके मसल्स पेन भी कम होंगे, इंजरी के चांसेस भी कम रहते हैं। और जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन एक्सरसाइज से मुझे फ़ायदा मिला है, इसीलिए मैं इन एक्सरसाइज को आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि मेरी ही तरह आप भी अपना फैट लॉस कर सके और स्ट्रांग बन सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और ऐसी और वर्कआउट की वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।